हेलो गाइस, वेलकम टू बैकग्राउंड सीन माय लाइफ यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। गाइस, आज हम लोग वीडियो में धमाका करने वाले हैं। तो धमाका क्या चीज़ का होने वाला है, तो गाइस बताना चाहूँगा कि हम लोग आज कपिलधार आए हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं चारों तरफ का सीन, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं चारों तरफ का सीन पहाड़ियों से घिरा हुआ है गाइस। तो गाइस बताना चाहूँगा कपिलधार में आपको क्या चीज़ देखने लायक है। तो गाइस यहाँ पर झरना है, तो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कपिलधार कहाँ पे पड़ता है। तो अगर आप शहडोल डिस्ट्रिक्ट या फिर अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो सबसे पहले आपको देवहरा गांव आना पड़ेगा। और देवहरा गांव से गाइस आप किसी भी पूछेगा कपिलधार जाना है, तो वहां से आपको देवहरा गांव से ही रास्ता आता है कपिलधार के लिए। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के, कुछ जगह पक्की सड़क है, कुछ जगह कच्ची सड़क देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, आप आनंद ले सकते हैं। और गाइस बताना चाहूँगा यहाँ पर खास और क्या चीज़ है। तो गाइस जब बसंत पंचमी के दिन होता है, उस बसंत पंचमी के दिन जो गाइस ये झरना है कपिलधार में मेला लगता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में आप देखे होंगे पहाड़ी एरिया में कैसे मेला लगता है। तो अगर आप कभी भी अगर मेला का आनंद लेना चाहते हैं, कपिलधार की झरना का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो ज़रूर आइएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। मैं आपको पहाड़ी एरिया का सीन दिखाने वाला हूँ, झरना का सीन दिखाने वाला हूँ, और वहाँ पर एक मंदिर है पहाड़ी एरिया में, उसको भी दिखाने वाला हूँ रास्ता। और हम चलते हैं पहाड़ी की ओर, लेट्स गो। देख सकते हैं दोस्तों, हम पहाड़ी में चढ़ रहे हैं, उसी यहाँ पे उबड़ खाबड़ रास्ता है, दोस्त लोग हैं। रास्ता है तो गाइस यहाँ यहीं तक आपको गाड़ी से, अगर किसी भी फोर व्हीलर या टू व्हीलर से आते हैं तो आपको यहीं तक आना पड़ेगा। फिर यहाँ से गाइस आपको पैदल जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का नज़ारा है, और ये भाई लोग हमारे साथ में आए हैं, आप देख सकते हो। और इधर कुछ भाई लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो अंदर पिकनिक बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, आप देख सकते हो कुछ बाइक यहाँ पे खड़ा है और ये भाई लोग चढ़ रहे हैं। तो चलिए मैं भी घाटी चढ़ता हूँ और देखते हैं झरना सीन में दिखाने वाला हूँ आपको। नाम तो बहुत सुना हूँ, कपिलधार के नाम से प्रसिद्ध है कि यहाँ एक झरना है, लोग बाग यहाँ पिकनिक बनाने आते हैं, इंजॉय करने आते हैं जब उनका छुट्टी मिलता है या फिर खाली टाइम रहते हैं, तो जो भी परिवार को भी लेके आते हैं, लड़के लोग एंजॉय करने भी आते हैं। तो आप देख सकते हो ये पहाड़ी एरिया है, वो भाई लोग चढ़ रहे हैं, मैं ही चढ़ रहा हूँ, अभी तक जंगल या फिर पहाड़ी क्षेत्र नहीं घूमे हैं। तो ऐसे जगह हम ज़रूर जाइए, बहुत अच्छा लगता है, पेड़ हरा भरा। अभी क्या है, गर्मी समय हम लोग आए हैं, मई के महीना है, और जब हरा भरा घास रहता है उस समय बहुत से लोग यहाँ आते हैं और नहाते भी हैं, वीडियो शूट करते हैं। तो आप देख चारों तरफ का सीन देख सकते हो, ऐसा लग रहा है हम लोग डरावनी जंगल में आ चुके हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। दोस्तों आप देख सकते हो ऊपर छोटा छोटा बंदर बैठे हुए हैं, जो रेड कलर का बंदर होता है, जो गांव की भाषा में हम ललमुहा बंदरा बोलते हैं। तो आप रेड कलर के मंकी देख सकते हैं, ये देखो कुछ इस प्रकार पेड़ में उछल कूद कर रहे हैं। तो कुछ हमको यहाँ पर जीव जंतु भी देखने के लिए मिलेंगे, पानी यहाँ से आ रहा है। और आपको ये देख सकते हैं ऊपर, आप देख सकते हैं वहाँ से पानी गिर रहा है। तो गाइस बता चाहूँगा बरसात का जब समय रहता है तो यहाँ बहुत अच्छा, बहुत तेज़ झरना गिरता है। हम लोग गर्मी में आए हैं इसलिए थोड़ा सा कम झरना गिर रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कपिलधार में जो है यहाँ पे शिवलिंग का स्थापित किया गया है, आप देख सकते हैं कुछ अच्छा शिवलिंग है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे डमरू का सीन यहाँ पे लगाया गया है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे पब्लिक हैं, और आप देख सकते हैं ये सब भाई लोग यहाँ के रक्षक हैं, देख रेख मेंटेनेंस बनाते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं भंडारा का व्यवस्था किया गया है। तो गाइस बताना चाहूँगा कि यहाँ हर महीने चंद्र पूर्णिमा के दिन यहाँ पर भंडारा होता है, और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कुछ अच्छा शिवलिंग और त्रिशूल वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए गाइस, और इधर भंडारा की जो व्यवस्था बनाया जा रहा है, मतलब भंडारा पकाया जा रहा है, तो हम चलते हैं वहाँ पे और आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ का सीन कुछ इस प्रकार आपको देखने के लिए मिलेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर चावल दाल सब्जी पूड़ी सब्जी वगैरह बनाया जा रहा है, और ये भाई लोग सब अपना सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब सहमति दे रहे हैं, और ये भाई लोग जो है बहुत सहयोग दे रहे हैं अपने भंडारा बनाने में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ माताएं बहनें जो है पूरी की व्यवस्था बना रहे हैं। और गाइस बता चाहूँगा ये चारों तरफ से भी आप देख सकते हैं, पांच चारों तरफ पहाड़ों का चट्टान है, मतलब चट्टान कह सकते हैं। और यहाँ पे भी देख सकते हो आप कुछ माताएं बहनें जो है पूरी की
सप्लाई कर रहे हैं, मतलब पूरी बना रहे हैं, इनका भी बहुत सहयोग रहता है। तो मैं बता चाहूँगा यहाँ पे हर महीने चंद पूर्णिमा के दिन जो है भंडारा का आयोजन किया जाता है। अगर कभी भी आप आते हैं तो आप कोशिश करें कि चंद पूर्णिमा के दिन आएंगे तो आपको भंडारा का भी सेवन मतलब भोग मिल जाएगा, मतलब प्रसादी आप ग्रहण कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो माता बहने हैं अपने सहयोग दे रहे हैं। तो गाइस पता चलोगे यहाँ थोड़ा सा दूर गांव है, तो गांव से ही लोग यहाँ आते हैं और यहाँ की जो देख रेख है व्यवस्था है उनको संपन्न करते हैं, मतलब व्यवस्था। फैमिली लोग आए हैं, आप देख सकते हो यहाँ जा रहे हैं, घूम रहे हैं। बताना चाहूँगा और आपको चट्टान छू के दिखाना चाहूँगा, देख सकते हो दोस्तों ये चट्टान है, बहुत अच्छा है, मजबूत है। और आप कुछ यहाँ से अगर सीन देखना चाहोगे कुछ इस प्रकार दिखता है। मैं हैंडसम लग रहा हूँ, मतलब चश्मा लगाया हूँ तो झांका तो दिख रहा हूँ ना, थोड़ा कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। तो गाइस बताना चाहूँगा हम देख सकते हो यहाँ बहुत खाई है, लंबा खाई आपको देखने के लिए मिलेंगे, मेरा खुद डर लग रहा है। और एक छोटा भाई इधर आ रहा है और हम जा रहे हैं यहाँ पहाड़ी एरिया। हम देखो इधर देखो, हाय करो थोड़ा, इधर देखो, ये देख सकते हो भाई लोग सब जा रहे हैं। तो चलिए, मेरे को थोड़ा डर का अनुभव हो रहा है, डर सा लग रहा है। तो गाइस बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार चढ़ने की व्यवस्था है, मतलब खतरनाक है, सोच समझ के चढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग अभी आधा पहाड़ चढ़ चुके हैं और आपको दिखाना चाहूँगा कि एरिया आप देख सकते हैं, ये पहाड़ है, वहाँ वो बहुत सारे बंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके जस्ट नीचे गड्ढा खाई है, मतलब जहाँ कपिलधार के झरना गिरता है, मतलब ये ऊपर से पानी आता है, नीचे बहुत अच्छा लुक है, इसलिए इसको कपिलधार के नाम से जानते हैं। और आप देख सकते हैं चारों तरफ का सीन पहाड़ी एरिया कुछ इस प्रकार है, और इधर कुछ गांव बसे हुए हैं। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छा सीन आपको देखने के लिए मिलेंगे। और अभी हम जाने वाले हैं इधर और पहाड़ में चढ़ेंगे, और इधर ये ऊँचा में एक मंदिर है, वहाँ भी जाएंगे, वहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सा मंदिर है। तो वीडियो में बने रहिएगा। आज इतना बड़ा धूप में आप लोगों को, आपके लिए मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, और मई का महीना है, जानते होंगे कितना गर्मी लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ से नज़ारा, पूरा गांव भी दिख रहा है, वो एरिया अच्छा दिख रहा है। और गाइस बताना चाहूँगा बरसात के मौसम में आएंगे जब हरा भरा रहता है, उस समय और भी अच्छा आकर्षक सीन आपको देखने के लिए मिलेंगे। अरे भाई लोग चढ़ रहे हैं, उसको मेरे को थकावट महसूस हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं पीछे भी एक भाई चढ़ रहा है, इसको मैं बोला कि भैया तुम मेरे पीछे रहना, गिरूंगा कम से कम पकड़ तो लोगे। इसलिए पीछे ही है। अरे पानी वाले भैया जा रहा है, पानी दो भाई मेरे को थोड़ा सा। तो थक गए हूँ, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, ठीक है, फिर इसके बाद मैं आपसे चर्चा करूँगा। आपको पीना है तो गर्म पानी है, पी सकते हो। धन्यवाद भैया, तो देवा है, थक के चुपचाप बैठा है अभी। अच्छा है भैया, कम से कम मेरे पीछे रहेंगे तो मैं गिरूंगा तो पकड़ेंगे तो, ये ना ये काम करेंगे ना। बहुत ही थकावट महसूस हो रहा है और मैं चढ़ने में दिक्कत खड़ा हो रहा है। चलो मैं भाई साहब को पकड़ लेता हूँ, कम से कम मेरे को धक्का प्लेन करेगा। और वो देख सकते हो भाई लोग सब जा रहे हैं, मैं भाई पकड़ लेता हूँ, थोड़ा सहयोग ताकत मिलता है, समझ रहे हो ना, ऐसे में हमको बहुत ताकत लगाना पड़ता है। और एक दूसरे का अगर सहारा से चलोगे तो आपको चलना आसान हो जाता है, तो ये इसलिए मैं इसको पकड़ लिया हूँ, तब मेरे को थोड़ा कम ताकत लग रहा है, मतलब चढ़ने में ठीक ठाक लग रहा है। ओके, उड़ के चले गए हैं उधर ऊपर तरफ, वहाँ पर चले गए हैं, आप देख सकते हो उधर चले गए हैं। और दोस्तों मैं थक गया हूँ तो यहाँ आराम कर रहा हूँ, तो आपको बता चाहूँगा पसीना पसीना हो गया है। और आप देख सकते हो यहाँ से वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है भाई, क्योंकि इतना लंबा पहाड़ी में नहीं चढ़ा हूँ, इसमें मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रहा है, हाथ पैर एकदम दर्द करने लग गए, देख सकते हो काँपने लग गए थे ऐसे, इसलिए मैं मुश्किल से चढ़ के आ गया हूँ ऊपर। और आप देख सकते हो कि हम अभी एक पहाड़ चढ़ चुके हैं, और पहाड़ चढ़ने के बाद आप देख सकते हो यहाँ थोड़ा सा मैदान आ गया है, और इसके बाद वहाँ एक और पहाड़ चालू हो जाता है, मतलब एक के बाद एक पहाड़ आप चढ़ते जाएंगे तो एक के बाद एक पहाड़ आपको मिलते जाएगा। यहाँ एक ऐसा सीन आपको देखने के लिए मिलेगा, वीर बजरंग बली का चित्र बना हुआ है, मतलब बजरंग बली यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो आप देख सकते हो बर का पेड़ है, पर जो पीपल है आप देख सकते हो कुछ इस पर, तो यहाँ पर मंदिर है, तो मैं वहाँ पर नहीं जाता हूँ, आपको यहीं दिखा देता हूँ। और मेरे भाई लोग जो हैं और भी इधर मंदिर है तो वहाँ चले गए हैं,
तो चलिए मोहक सीन आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे भाई लोग आ गए हैं, सब थक गए हैं और बैठ के आराम कर रहे हैं। और यहाँ कुछ सीढ़ियाँ हैं छोटे छोटे, आप देख सकते हो। तो चलिए आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार सीढ़ी है, मैं भी उतर के देखता हूँ। तो आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार। और गाइस यहाँ का जो खास चीज़ है मंदिर, वह है अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। पहले भाई लोगों को सीन दिखा देता हूँ, देखो थक के ये सब कैसे चल रहे हैं। और गाइस बताना चाहूँगा आप सबसे खास सीन, आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा द्वार बनाया गया है, जो ये यहाँ पे आप टाइगर सीन देख सकते हो। और यहाँ पे कुछ चित्रकारी किए गए हैं माता जी जो भी हो, तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार सीन आपको देखने के लिएगे। बहुत अच्छा सीन है गाइस, बताना चाहूँगा आप दूर से दिखाना चाहूँगा तो कुछ इस प्रकार दिखता है। तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। जय प्रभु। सोचा भी नहीं था कि कुछ ऐसा सीन आप अपने देखने के लिए मिलेंगे। थोड़ा पसीना से पोंछ लेता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत अच्छा सीन आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये कुछ इस प्रकार गेट है, देखो बहुत अच्छा चित्रकारी किया गया है, मतलब बहुत अच्छा मंदिर स्थापित किया गया है। और यहाँ पे भी गाइस आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दृश्य आपको देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कुंड है एक पानी का झरना, तो आप जब भी अगर आते हैं तो यहाँ से पानी लेके हाथ पैर धो के और पूजा पाठ कर सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार आपको दिखाने वाला हूँ। जय प्रभु। थोड़ा घंटी बजा देते हैं और शंकर जी जय प्रभु। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार सीन आपको देखने के लिए मिलेंगे। भोले शंकर जी का शिवलिंग है और आप देख सकते हैं बहुत अच्छा व्यवस्था है। और चारों तरफ का सीन आपको दिखाऊंगा तो कुछ इस प्रकार सीन आपको देखने के लिए मिलेंगे। बहुत अच्छा सीन गाइस। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शिवलिंग है, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार। जय प्रभु। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नर्मदा उद्गम, मतलब यहाँ पे पानी माता नर्मदा जी का उद्गम हुआ है ऐसा लिखा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं गाइस यहाँ पे पानी जो है एक कुंड टाइप का है, यहाँ से पानी निकल रहा है ऑटोमेटिक। और ये पेड़ आप देख सकते हैं। और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा अच्छा चित्रकारी किया गया है माँ नर्मदा जी का, कुछ इस प्रकार सीन आपको देखने के लिए मिलेंगे। बहुत अच्छा सीन है। यहाँ पे विष्णु जी है, यहाँ राम जी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे दुर्गा गणेश जी है, और यहाँ पे कृष्ण भगवान जी का सीन आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए गाइस और वहाँ पे भी बहुत अच्छा सीन है, तो चलिए मैं उधर दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों हम लोग देख सकते हैं यहाँ से वापस निकल के आ गए हैं और गर्मी का समय है दोस्तों बहुत। और यहाँ पे देख सकते हो चित्रकार किया गया है, चीतक सीन बना हुआ है। और यहाँ पे जो माताएं हैं जो नाग देवता के रूप में फिर इंसान के रूप में दिख रहे हैं। और ये कुंड तो आप देख ही सकते हैं बहुत अच्छा है, अभी यहाँ पर पानी भरा हुआ है, ज़्यादा नहीं है। और आपको दिखाने वाला हूँ, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार। गाइस आप एक पहाड़ चढ़ के दूसरे पहाड़ में जब आएंगे ये सीन आपको देखने के लिए मिलेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे रुकने के लिए व्यवस्था है, मतलब अगर आप लोग घूमने आते हैं और बारिश हो जाता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सीट लगाया गया है, मतलब आप यहाँ सुरक्षित अगर कोई सामान वगैरह लेके आते हैं तो सुरक्षित रह सकते हैं, अच्छा रहेगा, मतलब आप गीला नहीं होंगे अगर एक बार यहाँ पहुँच चुके हैं। और गाइस आप यहाँ पे पीछे देख सकते हो कुछ द्वार बना हुआ है और यहाँ पे गेट लगा हुआ है। तो अभी चलते हैं इधर और क्या सीन है। तो दोस्तों अब यहाँ पानी पीने की भी व्यवस्था है। थोड़ा गाइस बता चाहूँगा इसका हाइट जो है थोड़ा सा कम है, देख सकते हो कुछ इस प्रकार। तो आज अब हम लोग थोड़ा सा मंदिर के जस्ट पीछे आप आएंगे तो कुछ इस प्रकार सीन आपको देखने के लिए मिलेंगे। देख सकते हो कुछ राक्षस का सीन बनाया गया है गाइस, बहुत ही खतरनाक है, देखने में खतरनाक ही लग रहा है। और यहाँ पे लिखा है जूता चप्पल बाहर उतारे। और गाइस बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो पानी का स्रोत है पहाड़ से निकल के आता है, देख सकते हो भाई जो है गर्मी में परेशान हो गया तो वहाँ जल्दी से पानी पीने लग गया, देख सकते हो। इधर देखो थोड़ा हाई करो देख सकते हो यहाँ ये पहाड़ी है, चट्टान है और इसके बीच से गाइस यहाँ पानी निकल रहा है। थोड़ा सा वहाँ पाइप लगा दिया गया है जिससे पीने वालों के लिए सुरक्षित व्यवस्था बन सके। और गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एरिया जो है फिर से जंगल एरिया है, पेड़ पौधे हैं। और वहाँ पे भी गाइस आप देख सकते हैं पानी का स्रोत है।
कुछ इस प्रकार। तो दोस्तों आप देख सकते हो ऊपर आएंगे तो यहाँ पे कुछ हाथ पैर धो सकते हो आप लोग, अगर नहाना भी चाहोगे तो नहा सकते हो, ऐसी बात नहीं है, पानी यहाँ पे है। और गाइस सबसे ख़ास चीज़ और भी आपको दिखाने वाला हूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ से, तो गाइस ये पूरा पहाड़ है, पत्थरों से चट्टान है और इसके बीच से आप देख सकते हो ये पानी आ रहा है, ये आप देख सकते हैं ये पानी यहाँ से ये आ रहा है और फिर ये चट्टान से पानी कहाँ से आ रहा है ये अभी तक पता नहीं चल रहा है, बस ये पत्थरों के बीच से गाइस पानी निकल के, और जब बरसात का मौसम रहता है तो यहाँ गाइस बहुत ही ख़तरनाक तरीके से पानी बहता है, मतलब नज़रिया आप जब वो मौसम में आएंगे तो बहुत अच्छा सीन आपको देखने के लिए मिलेगा। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार सीन है गाइस, दोनों तरफ राक्षस हैं, बहुत अच्छा देखने में डूब अच्छा लग रहा है। तो गाइस बताना चाहूँगा अब हमारा ब्लॉग जो है यहीं पर हम समाप्त करते हैं, पूरा आपको पहाड़ी एरिया दिखा चुका हूँ, नीचे से लेके हम लोग ऊपर का पूरा मंदिर का सीन देख चुके होंगे आप मेरे इस वीडियो में। तो गाइस कैसा लगा कपिलधार, तो गाइस एक बार फिर से बताना चाहूँगा हमारे भाई लोगों को कि आप शहडोल या फिर अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से अगर कोई भी अगर कपिलधार आना चाहता है तो सबसे पहले आपको देवहरा गाँव आना पड़ेगा, देवहरा गाँव से ही कपिलधार के लिए रास्ता है, किसी से भी आप पूछिएगा तो आराम से वो आपको रास्ता बता देगा, वही रास्ता आपको चले आना है, बहुत आसान तरीके से आप कपिलधार पहुंच सकते हैं। और यहाँ का जो प्राकृतिक का सीन है लुप्त है, जो अच्छी ठंडे ठंडे हवा है इसका आप लुप्त उठा सकते हैं, बहुत आनंद का अनुभव आपको मिलेगा गाइस, बहुत खुशी मिलता है। बस परिवार लेके आएंगे तो ऊपर जब चढ़ेंगे तो थोड़ा समस्या का सामना करना पड़ता है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार कपिलधार का सीन। तो गाइस मैं अपने इस वीडियो में पूरा आपको दिखा चुका हूँ, तो मेरा वीडियो पसंद आया हो गाइस तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक कमेंट करें, जो हमारे भाई नए भाई लोग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं नए ब्लॉग बनाऊं तो वह सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। मुझे थकावट लग रहा है, ओके दोस्तों, बाय, जय हिंद जय भारत।